अंधाधुंध तरीके से बासमती की फसल में पेस्टिसाइड दवाइयों का इस्तेमाल करने के कारण बासमती के निर्यात में कमी आई है। निर्यात में कमी आने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वेस्ट यूपी के 30 जनपदों में पेस्टिसाइड दवाइयों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगने के कारण किसान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और निर्यात में कमी नहीं आएगी। इसके लिए सरकार द्वारा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बासमती की किस्म को विदेशों में बेहद पसंद किया जाता है। भारत में तैयार होने वाली बासमती की किस्म को अमूमन खाड़ी देशों में बेहद शौक के साथ खाया जाता है, लेकिन बासमती की फसल में किसानों द्वारा पेस्टिसाइड दवाइयों का सेवन अत्यधिक किया जाने लगा, जिससे बासमती की डिमांड में गिरावट आ गई। इस गिरावट के कारण 15% निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इस कमी को देखते हुए सरकार द्वारा एक्शन लिया गया और सरकार ने 10 पेस्टिसाइड ऐसी दवाइयों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जिन दवाइयों का इस्तेमाल किसान कर रहे थे, क्योंकि ये दवाइयां जब उपलब्ध नहीं होंगी तो किसान इनका प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 30 जनपदों में जहां जहां बासमती की पैदावार होती है वहां वहां 10 पेस्टिसाइड दवाइयों को प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इनके इस्तेमाल होने से पैदावार ठीक से नहीं हो रही थी, जिसके चलते 15% एक्सपोर्ट में कमी आई। इस कमी को देखते हुए सरकार द्वारा ये कड़ा फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।